अस्सलाम वालेकुम जनाब जी। तो आ गई हूँ जी एक और ब्लॉग के साथ। तो मैं यहाँ पर जो है ना, रमज़ान से पहले मैंने कहा चलें किचन साफ़ कर लेते हैं। तो मैंने डीप क्लीनिंग नहीं की थी किचन की, तो मैंने जो है वो वीडियो अगर मैं सारी बनाती तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी, तो इस वजह से मैंने जो है ना वो वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट कर दी थी। तो यहाँ पर मैंने स्पाइसेस जार्स वगैरह वो मैंने धोकर ना साफ़ करके रख दी थी, और यहाँ पर मैं कर रही थी किचन की सफाई स्लैब और जो है ना उसकी डीप क्लीनिंग करनी थी मुझे। यहाँ पर ये जो रैक था ये भी काफ़ी गंदा हो रहा था, तो मैंने इसमें से भी ये सारी चीज़ें निकाल कर इनको भी वॉश किया था, और जो है इस रैक को जो है ना स्टैंड को जो था स्पून वगैरह के लिए, तो इसको भी मैंने गर्म पानी में भिगो कर रख दिया था और अच्छे से वॉश किया था। ये काफ़ी जो है ना वो ग्रीसी हो रहा था। और यहाँ पर जो है वो सारा मैंने किचन जो है ना वो जो स्टोव वगैरह को भी अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया था। मैंने कहा क्योंकि फिर कल से जो है ना वो रमज़ान शुरू हो जाएगा एक दो दिन में, तो फिर वो जो है बाकी आपके इतने सारे काम होते हैं तो उसमें जो है ना फिर वो टाइम नहीं मिल पाता। तो यहाँ पर मैंने वो सारा जो है वो किचन को अच्छे से साफ़ कर लिया था, और इसकी जो है ना वो वॉल जो थी वो भी काफ़ी जो है ना जैसे ना मतलब दिखने में तो वो साफ़ नज़र आ रही थी, लेकिन वो हाथ लगाने पर जो है ना वो बहुत ही ग्रीसी हो रही थी, तो मैंने उसको भी जो है ना वो अच्छे से जो है साफ़ कर लिया था। तो मैंने कहा चलें आज जो है ना ये सारा काम मैं फिनिश कर लेती हूँ। तो बर्तन भी मेरे काफ़ी सारे पड़े हुए थे, मैंने चाश भी बनानी थी मुझे, और कुछ स्पाइसेस थे जैसे ज़ीरा हो गया, और मैंने उसको भी जो है ना वो भूनकर और जो है ना वो ग्राइंड करना था, और कोरिएंडर होल लेकर आई थी मैं साबुत वाला, तो उसको भी मैंने पीस कर जो है ना वो भी मुझे रखना था, और मुझे इमली की चटनी भी बनानी थी। तो काफ़ी थक गई थी मैं, तो वो आज मैं नहीं बना सकी, तो वो मैं आपको जो है ना वो एक और ब्लॉग में दिखाऊंगी। और एक तो इमली की चटनी बनती है, एक बनती है इमली और खजूर की चटनी ना, वो भी बहुत मज़े की बनती है, तो वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो इंशाल्लाह साथ रहिएगा, तो इंशाल्लाह रमज़ान में जो है ना कोशिश यही होगी कि रोज़ एक जो है ना नई रेसिपी ट्राई करें, और घर की चीज़ों से जो है ना वो मेरी कोशिश यही होती है कि घर में जो चीज़ें उन्हीं से कोई जो है ना वो नई चीज़ जो है ना वो बना कर ट्राई करें। तो रमज़ान में जो है ना वो बच्चे माशाल्लाह रोज़े रखते हैं मेरे, दोनों रखते हैं, फजल तो अभी छोटे हैं तो वो नहीं रख पाते, तो दोनों बड़े बच्चे अंशा और यावर जो है ना वो माशाल्लाह उनके पूरे रोज़े होते हैं, और मेरे भी कोशिश यही होती है कि कोई ऐसी कंडीशन ना हो तो रोज़े पूरे जाते हैं। हस्बैंड भी माशाल्लाह से पूरे रोज़े रखते हैं, तो मतलब वो रख तो नहीं पाते, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने भी कहा है कि वो जो है ना वो डायबिटीज़ पेशेंट है, तो इस वजह से जो है ना वो नहीं रख पाते, तो इस दफ़ा उन्होंने भी कहा है कि नहीं उनको भी रखने। और यहाँ पर जी ये सारे मैंने जो है ना स्पून वगैरह जो भी थे वो मैंने वॉश करके, और स्टैंड भी जो है ना अच्छे से वॉश किया था मैंने इसको गर्म पानी में, क्योंकि ग्रीस ही काफ़ी था, तो वो ग्रीस जो है ना वो इसकी ऐसे साफ़ नहीं हो रही थी, तो गर्म पानी में भिगोने से जो है ना तो वो इसकी ग्रीस जो है ना वो उतर गई थी। तो ये देखें ना कितना साफ़ हो गया था। तो ये मैंने कहा ये कुछ जो है ना वो फिर टाइम जो है ना मतलब ऊपर से तो आप साफ़ कर लेते हो, लेकिन जो डीप क्लीनिंग जो होती है ना वो फिर मैं रमज़ान से पहले एक दफ़ा जो है ना अच्छे से कर लेती हूँ, और उसके बाद जो है ना फिर करती हूँ। तो यहाँ पर ये मेरे कुछ स्पाइसेस थे जैसे सौंफ होते हैं जो मैं डेली जैसे ना खाने के बाद या जैसे रोज़ा नहीं होता तो मैं खाती रहती हूँ किचन में जैसे पड़े रहते हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो थी ना ये मैंने उनके लिए ना एक बास्केट जो है ना वो लेकर मैंने कहा उसमें ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ, तो ये काफ़ी सिमटा सिमटा सा लगेगा। तो ये मैंने सामने रैक पर ही रखती थी। अब देखिए यहाँ पर किचन कितना ना साफ़ और सिमटा हुआ सा नज़र आ रहा था ना बिल्कुल। एक तो किचन छोटा सा है मेरा, तो स्लैब बिल्कुल छोटी सी है, तो जगह नहीं है यहाँ पर चीज़ें रखने की, तो ओवन भी मैंने नहीं रखा हुआ यहाँ पर, तो अगर ओवन में यहाँ पर रख दूँ तो फिर वो बच्चा जगह नहीं बचती। यहाँ पर मैंने बर्तन वगैरह सारे धोकर साफ़ करके ना रख दिए थे, और यहाँ पर मुझे बनानी थी चाश। तो चाश के लिए जो है ना मैं ज़्यादातर जो है ना हस्बैंड भी वो इतना मतलब शरबत वगैरह जैसे हो जाते हैं ना, तो वो भी इतना वो नहीं करते, लेकिन बच्चे जो है ना फिर वो उनके लिए मुझे ये जैसे रखते हैं ना मैं बना कर रख देती हूँ। और यहाँ पर जो है ना वो साबुत मसाले जो थे मेरे पास, तो वो मैंने सारे जो है ना ग्राइंड करने थे, तो मैंने यहाँ पर ग्राइंड करके रख रही थी। मैंने कहा ये जो है ना कभी जैसे रायता बनाना हो गया या
चटनियाँ जैसे होती हैं, या किसी चीज़ में जो है ना, जैसे वो जीरा जो हो गया, जीरा हो गया, ये सारी चीज़ें जो है ना उसके लिए काम आ जाती हैं। तो ये मुझे सारी जो है ना वो मैंने स्पाइसेस को ग्राइंड करके रख दिया था। और फिर बच्चों की फरमाइश थी कि आज उनको पिज़्ज़ा पर पिज़्ज़ा खिलाने ले जाना था, और रमज़ान का था तो हो सकता है कि रोज़ा हो जाए तो फिर वो बच्चे नहीं जा सकेंगे। तो वो कह रहे थे कि हमें जो है ना आज आप लेकर जाए ना पिज़्ज़ा के लिए। तो रोज़ा तो नहीं हुआ था, हम रोज़ा जो है ना वो फिर इन्होंने कहा था कि वो होगा इसको मंगल को फर्स्ट रोज़ा होगा, तो इस वजह से जो है ना फिर वो हम लोग गए थे बच्चों को लेकर जो है ना वो फिर पिज़्ज़ा खाने। यहाँ पर जी साथ साथ मेरे सारे काम हो रहे थे, ये मैंने जार जो है ना वो धोकर जो रखी हुई थी तो ये मैंने इनको फिल कर दिया था, और छोटी वाली जो थी उसमें मैंने फिर वो ज़ीरा जो है ना उसमें डाल कर जो है ना वो फिर मैंने वो कर दिया था। ज़ीरा भी जो है ना वो ग्राइंड करके मैंने रख दिया था, क्योंकि फिर मैंने कहा था कि वो चटनियों में या जो कि कभी वो रायता बनाना हो गया तो उसमें फिर जो है ना वो इजीली आप जो है ना अच्छा। उसको भी मैंने बिल्कुल पाउडर नहीं किया था, थोड़ा सा मैंने इसको भी वो जो है ना मोटा मोटा रखा था। तो ये सारी चीज़ें मेरी हो रही थी साथ में, तो जो शुगर सिरप मैंने बनाया था तो वो काफ़ी गर्म था, तो मैंने कहा जब तक ठंडा हो जाए तो फिर मैं उसको जो है ना वो स्टोर करके ना बॉटल में फिर वो फ्रिज में रख दूँगी, फिर वो जो है ना फिर ईजी रह जाते हैं ना। तो वो तो बच्चे ही शौक से बना लेते हैं कि ना टैंग बनाना है या जामेशी हो गया या क्विज वगैरह जैसे बना लेते हैं ना, तो वो बच्चे शौक से बना लेते हैं कि ना हमने ख़ुद बनाना है, थोड़ा सा शुगर सिरप डाला और फिर वो डाल कर ना बना लेते हैं। तो ये थोड़ा सा कोरिएंडर मैंने बचा कर रखा था, ये पकौड़ों में जो है ना वो इस तरह जो है ना वो साबुत वाला अच्छा लगता है ना, थोड़ा सा इसको दबा कर क्रश करके ना उसमें डाल दें तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये मैंने उसके लिए बचा कर रखा था, और बाकी मैंने जो है ना वो ग्राइंड करके रख दिया था। और यहाँ पर जो है ना काफ़ी टाइम हो गया था, तो हम लोग जा रहे थे बच्चों को पिज़्ज़ा खिलाने के लिए। और यहाँ पर तो आपको बताइए यूनिवर्सिटी रोड पर जो है ना वो सारे जो है ना वो रोड्स जो इन्होंने ना वो बन रहे हैं, तो इतना रश होता है, इतना रश होता है, बंदे का कहीं दिल ही नहीं चाहता कि हम लोग कहीं बाहर जाएं। तो बस हम लोग यहीं पर ही जा रहे थे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हम लोग कहाँ पर आए, यावर आए कर दो। तो आज क्यों आए थे, कि वहाँ पर आपने क्यों नहीं खाया? कौन सी वाली कह रहे अंशरा से हाय हेलो। कौन सा सिलेक्ट कर रहे हैं आप? बारबेक्यू टिक्का, ओके। और यावर एक और कौन सा करना है, दो है ना? स्पाइसी इटालियन, ओके। और यहाँ पर जब तक हम लोग पिज़्ज़ा आता है तो हम लोग जो है ना वो टाइम पास कर रहे थे, यहाँ पर पिज़्ज़ा आ गया था तो पिज़्ज़ा मुझे सर्व करना था बच्चों को, तो वो कह रहे थे मामा आप हमें सर्व करके दे दें, तो मैंने उनको पिज़्ज़ा जो है ना वो बच्चों को सर्व करके दे दिया था। और जो है
यहाँ पर इन्होंने दो फ्लेवर मंगाए थे, अच्छा होता है पिज़्ज़ा मिक्स का फ्लेवर जो है ना बहुत अच्छे, उनका पिज़्ज़ा अच्छा होता है इनका। मुझे ना पिज़्ज़ा वो वाला अच्छा लगता है जिसकी डो जो है ना वो सॉफ्ट और अच्छी हो, मतलब ना एक तो वो इतनी थिन क्रिस्प वाली जो हो जाती है ना वो बिल्कुल ही जो बारीक वाली और मतलब इतनी हार्ड होती है ना वो वाली डो, मुझे वो वाला पिज़्ज़ा मुझे मतलब बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, चाहे किसी भी ब्रांड का हो वो मुझे नहीं अच्छा लगता। तो इनकी जो है ना ख़ास बात मुझे पिज़्ज़ा मैक्स की ये लगती है कि इनका जो है ना वो अच्छा होता है डो जो है ना। तो जनाब आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें वीडियो। तो यहाँ पर जी मैं अपने ब्लॉग का एंड कर रही हूँ और यहाँ पर मैं बच्चों तो जो पिज़्ज़ा जो है वो पास्ता का जिनको बहुत पसंद है, बहुत मज़ा आया था ब्लॉग में, याद रखिएगा। और जनाब फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।